हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियंस के जो हाल ही में एग्ज़ाम चल रहे हैं 9 अगस्त 2018 के करंट अफेयर और जनरल साइंस के कुछ बेसिक से क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे। ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स ग्रुप डी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी एएलपी के एग्ज़ाम्स जिनके बचे हुए हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कस किया जाए। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए थे। ये थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं और इनमें से पहला क्वेश्चंस ये है कि पूछा गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एम सेल्स, तो वो कितने होंगे? इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 2n2। एन पोजिशन बताता है कि कौन से पोजीशन का सेल है। के से शुरू होते हैं पोजीशंस, के फर्स्ट हो गया, एल सेकंड, एम थर्ड। तो थर्ड पोजीशन है एम का, तो 2n2, एन की जगह 3 हो जाएगा, तो 2 × 3 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि इफ़ एनीवन मूव्स इन अ सर्कुलर डायरेक्शन ऑफ रेडियस आर इन टाइम टी, उनका वेलोसिटी क्या होगा? तो ये डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा 2πr/T। ये जो 7 है ये 7 नहीं होगा, यहाँ टी होगा। अगला क्वेश्चन ओम्स लॉ से रिलेटेड था। एक रेसिस्टर दे दिया गया था दोस्तों, उसके अक्रॉस वोल्टेज मेंशन था, करंट बताना था। तो हो जाएगा I=V/R, जो कि ओम्स लॉ का एक रिलेशन है, V=IR, उससे पाया जाता है। एक क्वेश्चन कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया हुआ था जो कि फोकस और पोल के बीच में था। पूछा गया था इमेज कहाँ फॉर्म होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहाइंड द मिरर और इमेज होगा वर्चुअल। सो दोस्तों कॉनकेव मिरर से एक क्वेश्चन आया तो कॉन्वेक्स जरूर देख लीजिएगा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस देख लीजिएगा, कॉनकेव लेंस देख लीजिएगा, सबके पोजीशंस और कहाँ इमेज फॉर्म होंगे वो एक बार अच्छा से जरूर देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन हिस्ट्री से था, पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक्स प्लेस इन विच ईयर, 1905। इसका आंसर होगा रॉ के चीफ पूछे गए हैं जो कि अनिल धवन जी है हाल ही में। उसका बाद दोस्तों आप हाल ही में जितने अपॉइंटमेंट्स है ये ज़रूर देख लीजिएगा, मैं इसको लेके एक वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूँगा, आपको अच्छा लगे तो उसे ज़रूर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन था दोस्तों इंडियन एक्ट्रेस इन USA सीरियल क्वांटिको, क्वांटिको एक सीरियल आता था जिसमें हम इंडियन एक्ट्रेस काम करती थी, उनका नाम है प्रियंका चोपड़ा जी। हाल ही में ये बहुत चर्चित भी रहा था प्रियंका चोपड़ा जी, सो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। CM ऑफ तेलंगाना, ये पिछले साल का करंट अफेयर बोल सकते हैं, चंद्रशेखर राव जी। पिछले साल के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ज़रूर देखिएगा। सो अगला क्वेश्चन था विच इंडियन स्टेट विल होस्ट इंडियन गेम्स 2022, मेघालय। आगे का जितने हैं कॉमनवेल्थ नेक्स्ट कहाँ होंगे, हाल ही में कहाँ हुए थे, ओलंपिक्स कहाँ होने वाले हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप, ये सब एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन है द टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड व्हेन अ हैमर इज मूव्ड फ्रॉम अ पोजीशन टू अ रेस्ट पोजीशन। जब भी पोजीशन का रेज किया जाएगा तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी की इंक्रीमेंट होती है, और अगर मोशन में आए किसी का वेलोसिटी गेन हो कोई बॉडी का, तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी का गेन होती है। एक क्वेश्चन डेफिनेशन ऑफ टिश्यू दिया हुआ था, वहाँ टिश्यू टिक मानना था। ब्रांड एम्बेसडर्स दोस्तों खासा ध्यान देने वाला है, ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये एक नहीं दोनों शिफ्ट तीनों शिफ्ट में आए हैं। एक तो ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया आमिर खान जी आंसर होंगे, जो कि वीवो के ब्रांड एम्बेसडर है, पहले थे रणवीर सिंह, काफ़ी चर्चित हीरो वो भी हैं, वो थे इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर। और बाकी अभी इंडियन गवर्नमेंट से रिलेटेड जितना है वो भी ज़रूर देखिएगा, जैसे अतुल्य भारत के PM मोदी जी हैं, बंद दरवाजा के अमिताभ बच्चन जी है, GST के अमिताभ बच्चन जी है, स्वच्छ भारत के शिल्पा शेट्टी जी हैं, ठीक है, स्किल इंडिया की प्रियंका चोपड़ा जी हैं, तो ये सब एक बार ज़रूर देखिएगा। इसको रिलेटेड लेके मैं एक बहुत जल्दी शॉर्ट वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा जो कि ग्रुप डी प्लस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन था फर्स्ट वीमेन से रिलेटेड जो भी है फर्स्ट और हाल ही में हुए हैं वो सब करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वीमेन इन इंडियन नेवी पुनीता अरोरा, HCL का और क्या बोला जाता है, तो उसको हाइड्रोक्लोरिक बोला जाता है, ये क्वेश्चन था। एक्वारिजिया का रेशियो पूछा गया था किस प्रोपोर्शन में HCl और HNO3 होता है, तो उसमें HCl3:HNO3:1 होता है। कलर ऑफ अर्थ वायर पूछा गया था जो कि ब्राउन होता है, अगर यही लाइव वायर रहता तो वहाँ रेड हो जाता। pH ऑफ सॉल्ट पूछा गया था,
तो अगर एसिडिक सॉल्ट बनाते हैं तो बेसिक की नेचर होता है, बेसिक सॉल्ट बनाते हैं तो एसिडिक की नेचर होता है, बस यहाँ सिर्फ सॉल्ट मेंशन है जो कि न्यूट्रल होगा आंसर इसका। न्यूट्रल का पीएच कितना होता है, 7 होना चाहिए, तो 7 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था ब्लड शुगर लेवल इज कंट्रोल्ड बाई, ये होता है एड्रेनल ग्लैंड इंसुलिन सिक्रेट करता है जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है। डीएनए का डिस्कवरी और एक्सरे का डिस्कवरी पूछा गया था, ये बार बार पूछे जाते हैं रेलवे में, बहुत बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, आप जब भी सॉल्व किए होंगे ये सब क्वेश्चन बहुत मिले होंगे आपको। तो डीएनए को डिस्कवर किए थे वाटसन एंड क्रिक, और एक्सरे को विलियन कॉर्नार्ड रॉन्गटन जी ने किया था। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड में क्वेश्चन है जैसे लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डेज होते हैं, तो डब्ल्यूबीसी का जरूर देखिएगा, अगर मालूम है तो आपको कमेंट कर दीजिएगा, नहीं मालूम है तो चलिए मैं अभी बता ही देता हूँ, 3 to 4 डेज होता है डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन। गांधी जी का बर्थ ईयर पूछा गया था 1869 है, 2nd of October 1869 खाली ईयर पूछा गया था। फिर 78 डिग्री सेल्सियस दे दिया गया था, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना था, 351 हो जाएगा, 273 ऐड कर देंगे 78 में तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा सेल्सियस। अगला क्वेश्चन था ब्लड शुगर इज ऑल्सो नोन एज, ब्लड कैंसर शुगर बोल रहा हूँ, कैंसर ब्लड कैंसर ल्यूकीमिया होता है, ब्लड कैंसर इसको अलग नाम से भी जाना जाता है। लाफिंग गैस किसे बोला जाता है, ये भी एक क्वेश्चन था, तो नाइट्रस ऑक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, ये सब देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड आ रहा है क्योंकि लाफिंग गैस आया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सब भी आते हैं। फ्यूज़ वायर किससे बनता है, टीन होता है मेन कंपोनेंट फ्यूज़ में। देखिए फिर ब्रांड एम्बेसडर का क्वेश्चन है, बाबा रामदेव जी किस स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर है, तो हरियाणा के। ईआर रहमान किसके ब्रांड एम्बेसडर है, सिक्किम के, हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, वो इंपॉर्टेंट है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है, हाल ही में विनोद खन्ना जी को दिया गया है। जीएसटी वाज फर्स्ट इन्फोर्स्ड बाय विच कंट्री, ये फ्रांस आंसर होगा। विच डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन से क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके डेफिशिएंसी से क्या होता है, उनका केमिकल नेम क्या होता है, ये ज़रूर देखिएगा, इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो अभी बहुत जल्द पोस्ट करने वाला हूँ। विटामिन डी के डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है। गवर्नर ऑफ ओडिशा पूछा गया, गवर्नर्स देख लीजिएगा, गवर्नर से क्वेश्चंस आ रहे हैं हाल ही में, जो जो अपॉइंट हुए हैं पिछले 2 साल में। फिलहाल गणेशी लाल होगा इसका आंसर। फ्यूज़ वायर हमेशा सीरीज में लगता है। इंडियाज रैंक इन वेरियस इंडिसेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे भी रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उसे आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ग्रुप डी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो इंडिया रैंक्स इन करप्शन इंडेक्स 81st है, इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स में 133 बहुत ख़राब है। ठीक है, पूछ लिया गया पोल्यूशन में क्या है, तो इंडिया का 170 कंट्रीज़ का एस्टिमेट हुआ था जिसमें 177 इंडिया का रैंक था, बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, फिर नंबर ऑफ मून्स ऑफ जुपिटर पूछा गया था, इसका आंसर होगा 12। सोलर सिस्टम का सब बेसिक्स क्वेश्चंस देख लीजिएगा, ग्रीन प्लैनेट किसे बोला जाता है, रेड प्लैनेट किसे बोला जाता है, उनके मून्स अप्रोक्स देख लीजिएगा क्या क्या होते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होने वाले क्योंकि ये क्वेश्चन सोलर सिस्टम से आ रहा है। कैपिटल ऑफ मलेशिया पूछा गया था, ये क्वेश्चन आने का मेन कारण हो सकता है क्योंकि यहाँ के सबसे ओल्ड पीएम अपॉइंट हुए हैं, तो वहाँ का कैपिटल पूछ दिया गया है, कुआलालंपुर होगा। सो कोलंबिया के भी ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, कोलंबिया का कैपिटल देख लीजिएगा। फिर केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई, टोकोफेरॉल होता है, देखिए फिर केमिकल नेम आया है, विटामिन से क्वेश्चन आ रही है, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। ओनर ऑफ KKR शाहरुख खान जी हैं, ओनर ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था सनराइजर्स हैदराबाद वाला, तो ये कलांथिनी मारन इसका आंसर होगा। ठीक है, राइटर ऑफ द हाफ व्हाट आई से 2016 में पब्लिश हुई बुक है, ये अनिल मेनन जी ने लिखा है, बुक्स भी इम्पोर्टेंट है, हाल ही में जो जो लिखे गए 2017 से जो जो लिखे गए हैं वही मेन पूछे जा रहे हैं, 2018 वाले तो इम्पोर्टेंट हैं, इससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो जल्दी पोस्ट कर दूंगा। व्हाट हैपेंस व्हेन अ ब्लीचिंग पाउडर इज एडेड टू क्लोरीन वाटर, क्लोरीन इज जनरेटेड, बेसिक सा क्वेश्चन है क्लास 10 का। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन, मास नंबर पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एंड नंबर ऑफ प्रोटोन आपका एटोमिक नंबर बताता है। सीईओ ऑफ अलाहाबाद बैंक पूछा गया था, सीईओस और स्पेशली वुमेन्स जो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा, ये हो जाएगा इनका आंसर, उषा अनंत। सो दोस्तों ये था फर्स्ट डे में जो जो मेन क्वेश्चंस पूछे गए थे करंट अफेयर और जनरल साइंस से, इसे एक बार देख लीजिएगा और इसे एनालाइज कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाले। अगर किसी भी तरीके से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अलॉट।